ओम शांति। रात की क्लास चल रहा था, 5 सितंबर 1968। दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी, गंगा सागर का संगम कहा जाता है, परंतु वास्तव में गंगा सीधी सागर में जाकर नहीं मिलती है। गंगा का पहले पहले संगम होता है ब्रह्मपुत्र नदी से, अर्थात गंगा को भी ब्रह्मपुत्र में मर्ज होना पड़ता है। बलगंगा पतित पावनी गाई हुई है तो भी गंगा को पहले अपने अस्तित्व को ब्रह्मपुत्र में मर्ज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र है ऊंची नदी, बड़े से बड़ी नदी, जो पहाड़ों की ऊंची स्टेज पर बहती है। नाम ही है ब्रह्मपुत्र। अर्थात ब्रह्मा की पुत्री है, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है, तो चंद्रमा की पुत्री चंद्रवंशी ही कही जाएगी। पवित्र स्टेज में बहती है, और लास्ट में जब मैदान में आती है तो सागर से टकराती है। ऊंची ऊंची लहरों का टकराव होता है, एक तरफ से गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का ज्ञान जल टकराता है सागर से, और दूसरी ओर सागर की ऊंची ऊंची लहरें टकराती हैं। पहले टकराहट होती है, बाद में फिर मेल होता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र है पवित्र नदी, गंगा तो पतित पावनी है ही, परंतु लंबे समय से मैदान में आती है। मैदान कहा जाता है लड़ाई को, ये लड़ाई है प्योरिटी और इम्प्योरिटी की। आखिरी जब ज्ञान सागर बाप से मेल होता है तो सागर और नदी का संगम गाया हुआ है।
ये आत्माओं और परमात्मा का मेल है। और मेल भी बड़ी नदी में होता है। बड़ा और छोटा प्योरिटी के आधार पर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं समझने की। परंतु जब कोई रोज आकर के समझी तो प्यार से सुनते रहेंगे, नहीं तो थोड़े ही रोज आवेंगे तो क्या समझेंगे। सभी को बाप का परिचय देना है। बाप की याद तो करते हैं ना। क्यों बाबा? माना ही बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। प्रजापिता है सभी मनुष्य मात्र का बाप। और प्रजापिता का भी बाप सुप्रीम सोल शिव। तो सभी मनुष्य मात्र का बाबा है। दोनों बेहद के बाप हैं। वो आत्माओं का बाप और वो मनुष्यों का बाप। उन दोनों के मिलने से स्वर्ग की रचना होती है। रचना करना रचयिता बाप का काम है। सुप्रीम सोल शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। आत्मा रची नहीं जाती है, परंतु वो सुप्रीम सोल जब मनुष्यों के बाप में प्रवेश करती है तो रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता के अधीन होती है। रचयिता बाप स्वाधीन है। वो स्वर्ग की बात चाही देते हैं। सदैव सही स्थिति में टिकने वाला है। स्वर्ग की बात चाही थी, कल की ही तो बात है। लाखों वर्ष की तो बात तुम नहीं कहते हो। हमने राज्य पाया, फिर माया ने छीन लिया। तो ये हार और जीत का खेल तुम समझा सकते हो। अभी भगवान हमको जीत पहनाए रहे हैं। शैतान ने हमको हराया है और भगवान ने हमको जिताया है।
तो जीत पाने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं शांति धाम का रहवासी हूँ। तुम्हारे लिए मूल बात है देवी गुण धारण करने की। देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है तो म्लेच्छों का खान पान नहीं होना चाहिए, और म्लेच्छों का संग भी नहीं करना चाहिए। म्लेच्छ किनको कहा जाता है? मुसलमानों को म्लेच्छ क्यों कहते हैं? मल कहा जाता है गंध को। इच्छ माने इच्छा करने वाले। जो जन्म जन्मांतर अपने जीवन में गंध खाने की इच्छा करने वाले हैं वो है मलेच्छ। और तुम तो देवता बनते हो, स्वच्छ बनते हो। तुम बच्चों को यहाँ है ब्राह्मणों का संग, वहां उस दुनिया में शूद्रों के संग में जाने से कुछ न कुछ संग का रंग जरूर लग जाता है। क्योंकि तुम सदैव स्वयं स्थिति में नहीं रह पाते हो। बाप तो सदा शिव है, सदैव सही स्थिति में रहने वाला है। परंतु तुमको संग का रंग लग जाता है। हाँ, यहाँ तुम ब्राह्मणों के संग में सेफ्टी में रहते हो। वहां फिर शूद्रों का संग लग जाता है। वो संग बुद्धि को चलाए मान कर देता है। संग के रंग में आए, कोई ने कहा तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते हो, बड़ा मजा आता है। फिर प्रभाव में आ जाते हैं। एक दो बार पिया फिर आदत पड़ जाती है। तो ये संग बड़ा नुकसान कर देता है, बहुत बड़ा घाटा डालते हैं, बिल्कुल दिवाला निकाल देते। काला मुंह किया तो दिवाला निकला। ये है संग के रंग की इंतहा। अभी तो राम को भी काला दिखाते हैं तो कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। काले तो फिर विकारी होते हैं। विकारियों की फिर पूजा क्यों करनी चाहिए? ऐसी पूजा का तो निषेध होना चाहिए। वो भी काले, तुम भी काले, फिर काले काले की पूजा क्यों करें? ये तो समझ की बात है।
श्रीनाथ द्वारे में जावेंगे तो वहां भी काला चित्र रखा हुआ है, वो भी कामची छापर चढ़ा हुआ है और तुम भी कामची छापर चढ़े हुए। अभी कलकत्ता में काली है, वो है सबसे बड़ी काली और सबसे जास्ती काली, माना उसको संग का रंग सबसे जास्ती लगता है। तो काली को क्यों पूजना चाहिए? अकाली ही नहीं है, कृष्ण जो गोरा बनता है उसकी पूजा करो ना, आप पवित्र की पूजा क्यों करते हो? तो ये सभी अज्ञान की बातें हैं। फिर ज्ञान क्या हुआ? बुद्धि में आना चाहिए, कृष्ण अंतिम जन्म में काला बनता है। जब अति का काला बनता है, राम भी अति का काला बनता है, तो काले ते काले कामी कांटे में बाप से प्रत्यक्ष होते हैं। जो भक्त होते हैं, भक्त बुद्धि है, उनकी बुद्धि देहधारी से चिपक जाती है। बाप तो तुम्हें ज्ञानी तू आत्मा बनाने आए हैं, तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, कि हम काले राम कृष्ण की पूजा क्यों करें? उनमें प्रवेश होने वाला जो शिव है, सदा शिव कहा जाता है, एवर प्योर है, सदैव उसकी याद रहनी चाहिए ना। बाबा पूछते भी है, किसकी गोद में आए हो? कोई कहते हैं ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, तो किसका संग लगेगा? काले बन जावेंगे। अगर बुद्धि में ये ज्ञान बैठा हुआ है कि हमने किसकी गोद ली है, ऊंचते ऊंचे बाप की गोद ली है, काले रामकृष्ण की गोद नहीं ली है। बुद्धि में आना चाहिए, हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो पावन बनेंगे। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि संग करने से ही पावन बनते हैं। संग तो किया, लेकिन बुद्धि में धारणा क्या रही? बुद्धि पवित्र आत्मा की याद में है या पवित्र की याद में है? भक्ति मार्ग में तो अज्ञान ही अज्ञान है,
ये बातें कलकत्ते में जाकर समझाओ। वहां काली की पूजा बहुत होती है। बोलो, पहले ये काली नहीं थी, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा थी। कलयुग अंत में आकर काली बनती है काम चिच्छा पर चढ़ने से, नहीं तो माता तो गोरी होनी चाहिए। बाप की बनी तो सेकंड में जीवन मुक्ति। ब्रह्मा के लिए गाते हैं ना, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड लगता है। तुम समझते हो स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, फिर भी अगर विकार में गया तो स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलेगी? जो देव आत्माएं होते हैं वो कब काला मुंह नहीं करते हैं? देवताओं में 5 विकार होने ही नहीं चाहिए। 5 विकारों को दान में दे देना चाहिए, परंतु इनको छोड़ने में कितनी मेहनत लगती है बच्चों को। ये अपार दुखों की दुनिया है। पहले भारत में अपार सुख थे, अभी फिर से पुरुषार्थ करके अपार सुख ले रहे हो। ये संगम युग का एपिसोड है। गीता में कृष्ण भगवान को समझ लिया है। वास्तव में कृष्ण भगवान वाच नहीं है, कृष्ण तो काला बनता है। जो काला बनता है फिर गोरा बनता है तो भगवान कैसे हो सकता? भगवान तो सदैव ही एवर प्योर है। पति तो दुनिया में आता है, पति तो तन में आता है, पतितों के बीच में रहता है, फिर भी पतित नहीं होता। ये बाप कहते हैं कि सदैव बोलो शिव भगवान वाच, कभी भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए ये ब्रह्मा वाच करते हैं। अगर समझेंगे कि हमें शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तब ही उद्धार होगा। एक कीमत पर चलने से उद्धार होगा, पतितों की मत पर चलने से उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है शिव भगवान वाच। वो ही ज्ञान का सागर है। बाप आकर ज्ञान की बातों का उच्चारण करते हैं। ज्ञान के पॉइंट और कंट्रास्ट में भक्ति के पॉइंट भी समझाते हैं। श्रीमत क्या है,
मनुष्य मत क्या है, आसुरी मत क्या है, दैवी मत क्या है, ये भी बाप समझाती है। कोई कोई श्री मत पर चलते हैं, नहीं तो आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। आसुरी मत पर चलेंगे तो बीड़ी पीना, शराब पीना, विकार में जाना, यही धंधे करेंगे ना। बाप को तो याद कर ही नहीं सकते, बहुत घाटा डाल देते हैं, अकल्प कल्प घाटा डालते हैं। यहाँ तो राजा ही स्थापन हो रही है, कोई कम बात नहीं है। यहाँ तो राजाई की स्थापना होती है, राजधानी स्थापन करके बाप जाते हैं। और धर्म पिताएं राजरानी नहीं स्थापन करते, राजाई स्थापन नहीं करते। तो देखो यहाँ तो बहुत बड़ा काम होता है। और धर्मों में तो पहले राजाई होती ही नहीं, क्योंकि राजाई के लिए तो लाखों की जनरेशन चाहिए। वो तो एक धर्म पिता आता है, फिर धर्म की स्थापना करते हैं तो अनेकों उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जब लाखों की तादाद हो जावे तब उस धर्म में राजा स्थापन शुरू होती है। यहाँ तो बाप एक ही जन्म में आकर के देवी देवता सनातन धर्म की भी स्थापना करते हैं और देवता धर्म की राजाई भी स्थापन कर देते हैं। उनका तो जब बहुत वृद्धि हो जावे, बड़ा लश्कर इकट्ठा हो जावे, तब लड़ाई लड़ें और राजाई पावे। बाप जो दुनिया स्थापन करते हैं उसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं, वहां नई दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है। बहुत बाद में जब सतोप्रधान से सामान्य बने, सतो सामान्य से रजो प्रधानता शुरू हो, तब लड़ाई शुरू होती है। तो तुम सब बातों का हिसाब बता सकते हो। बाप का बच्चा बना तो सपूत बच्चा होना चाहिए, वो सपूत बच्चे ही उच्च पद पा सकते हैं। और सपूत बनने के भी दर्जे हैं। सपूत उनको कहा जाता है जो भगवान बाप की मत पर चलते हैं। भगवान की मत पर भी न चलेंगे तो भगवान भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार ये राजधानी बननी है। राजधानी में तो सभी प्रकार के चाहिए और राजधानी में जो ऊंच पद पावेंगे उनको पुरुषार्थ भी करना है। बल नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है।
परंतु कोशिश करके सूर्यवंशी बनना है। इसके लिए बाप को फॉलो करो। माँ की मत पर भी चलना चाहिए। बाप है प्रजापिता, माता है ब्रह्मा। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद जानकारी को कहा जाता है, वेद माने ही जानना, और जानकारी सच्चाई की चाहिए। सत्य को जानेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे। तो समझाते हैं कि माता पिता दोनों की मत पर चलो। मुरली की बातों को भी मानना चाहिए। मुरली बाप शिव ने कहलाई है ब्रह्मा की मुख से, और ब्रह्मा की मत भी माननी चाहिए। ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण अव्वल नंबर का देवता है। देवता ही आत्मा जरूर धारणा की वाणी बतावेगी। तुम व्यापारी हो तो व्यापार करो, घाटा नहीं डालो। अपना पूरा सौदा करो। जैसे कहते हो बाबा हम आपसे तो पूरी विश्व की बात रह लेंगे, तो ऐसे विश्व के बादशाह बनकर दिखाओ ना, घाटा क्यों डालते हो? अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे रुआनी, बच्चों को रुआनी, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है, छ 9 68 रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूरियान करते हैं। तो रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो नई नॉलेज है। मनुष्य से देवता बनने की ये नई नॉलेज है। पढ़ाई कहो, और ये पढ़ाई तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? रूहानी बाप पढ़ाते हैं। मीडिया है ब्रह्मा, पढ़ाने वाला नहीं है। ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा और कृष्ण कहो, बात तो एक ही हो जाती है। परंतु भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, पढ़ाने वाला किसको बना दिया? गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण को बना दिया। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कौन है फाउंडेशन डालने वाले? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ही है
या बाहर की दुनिया में है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन डालने वाले कौन है? जो अधूरी नॉलेज उठाते हैं, सिर्फ बेसिक ज्ञान लेकर के छोड़ देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान पूरा पूरा नहीं उठाते। दुनिया में भी कोई छोटी नॉलेज पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पास करके छोड़ देते हैं, तो उनको कौन सा पद मिलता है? है? ऊंचे ऊंचे अधिकारी बनते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा चपरासी बन जाएंगे। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप आया हुआ है, तो जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ बुद्धि बनानी चाहिए ना। बाप स्वाधीन है तो बाप के बच्चे भी स्वाधीन होने चाहिए, और अनेक जन्मों के लिए स्वाधीन होनी चाहिए। बाप भक्त और प्रजा नहीं बनाने आए हैं, परंतु ऑटोमेटिक प्रजा और भक्त बन जाते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ संदेश लेकर के चले जाते हैं। माना ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय पढ़ाई को महत्व तो नहीं देते हैं, तो क्या बनेंगे? प्रजा वर्ग में चले जाते। अव्वल नंबर की प्रजा, पहली पीढ़ी की प्रजा बनना, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि पहली पीढ़ी का ही गायन है, यथा राजा तथा प्रजा। और पीढ़ियों में इस बात का अंतर पड़ जाता है। पहली पीढ़ी का गायन है वसुधैव कुटुंबकम, जैसे कुटुंब में, परिवार में छोटा बच्चा होगा वो भी कहेगा मेरा बाप, मेरी दुकान। बाप का वारिसदार है ना, तो अधिकार से कहता है मेरी दुकान। ये तो लास्ट जनरेशन इस दुनिया में चल रही है मनुष्यों की। 84वें जन्म की पीढ़ी है, तो जो गद्दियों पर बैठे हैं वो ही अपना अधिकार समझते हैं। बाकी तो सबको अधीन करके रखा हुआ है, ऐसे थोड़े ही समझते हैं ये प्रजा हमारी। प्रजा है प्रमाणे प्रकट रूपेण, जा माने जायते, जिसका प्रकट रूप से जन्म होता है, ऐसी प्रजा संगम युग में बाप ही आकर के बनाते हैं। और उन प्रजाजनों को
अपने परिवार के बच्चे के समान समझती हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो बच्चों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि पढ़ाने वाला निराकार बाप है, ब्रह्मा तो साकार है, उसका एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। नहीं तो पिता तो बीज होता है, बीज सूक्ष्म होता है, निराकारी होता है। क्राइस्ट को ध्यान से देखो, गुरु नानक को ध्यान से देखो, महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखो, उनका चित्र निराकारी तेज को झलकाता है। कोई भी कहेगा कि इस धर्म का पिता है, बीज है, तो बीज बाप को पहचानना है। वो बाप भी है जो गीता ज्ञान देते हैं, पढ़ाते भी हैं तो टीचर भी है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। इस दुनिया में प्राप्ति करने के लिए ये पढ़ाई नहीं है। तो बच्चों को हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। ये वेद का बाप नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला है। उस दुनिया में जो भी पढ़ाइयां होती हैं, उनकी प्राप्ति पुरानी दुनिया में ही होती है। तो मूल बात है कि हमको शिक्षा देने वाला बाप है, ब्रह्मा नहीं है। कृष्ण की आत्मा शिक्षा देने वाली नहीं है। वैसे भी भक्ति मार्ग में कृष्ण को तो बच्चे के रूप में पूजा जाता है, मंदिरों में कृष्ण बच्चे के रूप में मूर्ति रखी जाती है। तो सिद्ध होता है कि बीज बोने वाला बाप जो ज्ञान का बीज बोता है, और वर्षा देने वाला बाप निराकारी स्टेज वाला है। ये मूल बात है। हाँ, जो नहीं समझते हैं उन बेसमझों को शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। आसुरी बुद्धि है जो बाप की पढ़ाई में इशारों को नहीं समझते। नहीं तो देवताएं इशारों से समझते हैं, मनुष्य कहने से समझते हैं, और आसुर तो कहने से भी नहीं मानते। उन आसुरों के लिए ब्रह्मा का तामसी रूप है। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, बात एक ही है।
जगदम्बा का तामसी रूप है महाकाली। ऐसे बेसमझ असुरों का संहार कर देती है। तो शिक्षा कोई तो द्वारा देंगी ना, बाप तो प्यार का सागर है। अभी भी 70-71 साल बीत गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, असुरों का परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई के द्वारा तो परिवर्तन करेंगे। गाया हुआ भी है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, द्वारा ही चला गया, मीडिया ही चला गया। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो नहीं हुई। तो भगवान के वाक्य झूठे हैं क्या? फिर कैसे स्थापना होगी? वही ब्रह्मा जब कोई माता के चोले में प्रवेश करता है तब शिक्षा देता है। ये तो है ही कलयुग। तो सिद्ध होता है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही होते हैं और कोई भी नहीं होते हैं। अगर दूसरे धर्म में जाने वाली आत्माएं होती भी हैं तो उनका आसुरीपना मर्ज हो जाता है। तो आज की दुनिया में जो इतने धर्म फैले हुए हैं वो नई दुनिया में होंगे ही नहीं। अर्थात मर्ज हो जावेंगे या कहो विनाश हो जावेंगे, क्योंकि सत्युग में तो और कोई धर्म होता ही नहीं है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठती है। उन आसुरी संप्रदाय की बुद्धि में नहीं बैठती। क्योंकि अभी तो दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो अभी बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। हमारे लिए संगम युग है और ये संगम युग की बात बहुत सहज समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की स्थापना होगी। नई दुनिया में ब्रह्मा द्वारा पहले पहले ब्राह्मणों की रचना होती है और ब्राह्मण भी नंबरवार हैं। भक्ति मार्ग में भी नौकुरियां गाई जाती हैं। तो जरूर ब्राह्मणों की नई दुनिया रची होगी। पुरन खंडियों की तो नहीं रचेंगे ना।
बच्चों को इस बात का निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। तो अभी हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पहन करके निर्विकारी बनना है। नहीं तो कल इन देवताओं के आगे जाकर कहते थे आप सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। पहले अपन को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। विमाने विपरीत, कार माना कार्य, विपरीत कार्य में जाते थे। जो भगवान की मत के विपरीत कार्य है, भगवान की मत है सुख दो और सुख लो। कोई भी इंद्रियों से अगर कोई भी ऐसा काम किया जो दुखदायी साबित होता है, रुलाने वाला है, तो उसे सुखदायी काम थोड़े ही कहेंगे। पहले हम भी अपन को विकारी फील करते थे। अभी समझा है कि दैवी गुण धारण करने हैं तो काम को कैसे जीते हैं। विकार में जाना कोई दैवी गुण नहीं है, विकार में जाना और फिर विकार की पूर्ति न होना, काम की आग पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, फिर अत्याचार करते हैं, इसको कहेंगे आसुरी गुण। देवताओं में ये बातें नहीं होती हैं, वहां तो पांच विकार ही नहीं होते हैं। और अभी तो सारी दुनिया में पांच विकार व्यापक हैं। अच्छा, ओम शांति।